दोस्तों विप्रो के बारे में कहानियाँ हमने ज़रूर सुनी होंगी कि कैसे महज कुछ रुपयों का इन्वेस्टमेंट करोड़ों के रिटर्न्स दे रहा है क्या आप जानते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में हम ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करें जिनके की कैरेक्टरिस्टिक्स विप्रो के साथ मैच करते हैं और उनको लंबे समय के लिए होल्ड करें तो हम भी स्टॉक मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ये देखने वाले हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स विप्रो के साथ मैच करते हैं या नहीं और क्या ये आने वाले समय में हमें विप्रो के जैसे रिटर्न दे सकते हैं या नहीं तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा ठीक है आपकी स्क्रीन पर जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका अगर हम बिजनेस सेगमेंट देखें तो आप देख सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डाटा इन सब हैपनिंग टेक्नोलॉजीज में सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ देखें तो ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं तो ऐसे में अगर हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि आने वाले समय के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनपे काम कर रही हैं जिनमें की ग्रोथ का स्कोप बहुत ज़्यादा है ऐसे में हमें रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो डिविडेंट एल कंपनी का थ्री है डिविडेंट इतना अच्छा है कि इसमें बल्क इन्वेस्टमेंट करने से एक अच्छा खासा पैजिटिव सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो सकती है यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल है कैश फ्लो हालांकि नेगेटिव हैट पेत्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रहा है ग्राहम नंबर के हिसाब से थोड़ा महंगे दाम पे है लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है और डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो पॉइंट जीरो एट है डेट की वजह से फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है ना के बराबर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कह सकते हैं अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है ऑल इन ऑल हम देखें तो यहाँ पे दो ये 52 टू हाई के आसपास मिल रहा है बट अभी भी अंडर वैल्यूड है ऐसे में आई सेक्टर में अगर ग्रोथ होती है तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आने वाले समय के लिए रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अब विप्रो के अगर हम बात करें तो विप्रो भी बिलोंग करता है आई टी सेक्टर से, राइट विप्रो में देखें तो पिछले कई डेकेट्स में कुछ ही रुपयों के इन्वेस्टमेंट पे उसने लाखों करोड़ों के रिटर्न्स दिए ऐसे में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे पंद्रह सौ रुपए से आने वाले समय में पंद्रह हजार रुपए जाना है इसके एक स्टॉक प्राइस को तो ऐसे में दस गुना ग्रो करना पड़ेगा एच सी एल टेक को तो यहाँ पे देखिए तो फेस वैल्यू ऑलरेडी दो का हो चुका है यानी कि कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट था वो मोस्टली कर चुकी है एक बार और स्टॉक स्प्लिट हो सकता है ऐसे में प्राइसेस डिवाइड बाय टू हो जाएंगे बट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे इन्वेस्टर्स के ठीक है विप्रो ने कई बार स्टॉक स्प्लिट किया विप्रो ने कई बार बोनस शेयर्स दिए जिनकी वजह से इनके स्टॉक प्राइसेस आपको कम देखने को मिल रहे हैं बट लोगों के पास नंबर ऑफ शेयर्स लाखों में है आज के समय पे तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर एस सी एल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी आने वाले समय में बोनस शेयर्स इशू करती रहती है तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते रहेंगे और ऐसे में हमें कंपाउंडिंग रिटर्न के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अब यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग देखिए सिक्सटी वन परसेंट के आसपास है पब्लिक को पता ही नहीं है स्टॉक के बारे में केवल और केवल साढ़े चार परसेंट के, के आसपास पब्लिक है और बाकी जितने बचे हैं इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिल रहे थे तो एक अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ अगर इसका बोनस ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2015 में वन इज टू वन का बोनस शेयर इशू किया था 2019 में वन इज टू वन रेशियो का बोनस शेयर इशू किया था तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट 2024 या 2025 में बोनस शेयर ये इशू कर सकते हैं और स्टॉक स्प्लिट अगर एक बार किया इन्होंने तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अब ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है विप्रो की वो ये मीट करता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है अब टेक्निकली देखिए तो एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट पे कभी भी ये स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है वहाँ से रिवर्जन दे रहा है वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट पर ऐसे में अगर हम इसको करें एक मंथ के कैंडल स्टिक चार्ट पर तो एक मंथ के कैंडल स्टिक चार्ट पर देख सकते हैं 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास बहुत रेयरली आता है और जब भी 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आया है वहाँ से एक नया हाई बनाया और वहाँ से एक नया हाई बनाया तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जो कि रेयरली 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आते हैं ऐसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होते हैं ऐसे स्टॉक्स में फिर ये नहीं देखा जाता है कि 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आए तो ही बाइंग की जाए ऐसे स्टॉक्स में अगर किसी दिन मार्केट पर प्रेशर है और इनमें तीन परसेंट या उससे ज़्यादा की गिरावट हो जाती है तो एस के टर्म्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है तो आई थिंक जब यहाँ पर आप ये समझ पा रहे होंगे कि स्टॉक में एक्चुअली में चल क्या रहा है और कैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं विप्रो के साथ ठीक है स्टॉक मार्केट में एक्चुअली रियल टाइम में क्या चल रहा होता है ये हम रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता चल पाता है ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स क्या है स्टॉक मार्केट के बारे में और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मोस्टली नहीं मिल पाती है तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं अबाउट द स्टॉक मार्केट लेटेस्ट तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टॉक टू इट्स प्लेटफॉर्म जहां पर आप रियल टाइम में ये देख सकते हैं कि ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स कम्युनिटी स्टॉक मार्केट और पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में रियल टाइम में क्या बात कर रहे हैं ठीक है तो बेसिकली स्टॉक ट्विट्स में जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है जहां पे आप खुद भी पोस्ट कर सकते हैं सर्टेन स्टॉक्स के बारे में अगर आपको जानना है इन्फॉर्मेशन लेनी है आप यहाँ पर पोस्ट करके दूसरों से पूछ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ सोच रहे हैं कुछ थॉट प्रोसेस है उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई प्रोडिक्शंस है तो आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी खुद की वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे ऐड किया गया है ऐसे ही और भी सारे स्टॉक्स यहाँ पे आप ऐड करते हुए अपनी वॉच लिस्ट में मॉनिटर कर सकते हैं इसके साथ ही साथ मार्केट्स के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं जो स्टॉक्स न्यूज़ में बन रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स जो हैं पिछले 24 फोर आवर्स में उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ ही साथ जो अर्निंग्स रिसेंटली अर्निंग्स रिलीज हुई हैं जिन कंपनियों की या आने वाली हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं एक ही डैशबोर्ड से और जैसे कि हमने कहा आप यहाँ से स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए क्या बातें हो रही हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में ये भी देख सकते हैं तो सिर्फ एग्जांपल जो वरुण बेवरेजेज लिमिटेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटीमेंट नाइनटी है और साथ ही साथ ये जो सेंटीमेंट है ये एक्सट्रीमली बुलिश है और यहाँ पे आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि यूजर्स ने अपने ट्रेड सेटअप्स भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में शेयर किए हैं तो रियल टाइम में हम देख सकते हैं कि हमारा जो सर्टेन स्टॉक है उसके बारे में क्या ट्रेड सेटअप है क्या बातें हो रही है और इसके साथ ही साथ कई सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है जो कि ट्रेड सेटअप प्रोवाइड करते रहते हैं यहाँ पे साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर्स सर्टेन स्टॉक्स के बारे में उनकी थॉट प्रोसेस क्या है आप उसको यहाँ पे जान सकते हैं स्टॉक्स ट्विट्स की प्लेटफॉर्म पे इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा आप एक्सपर्ट्स द्वारा अपने क्वेश्चंस का जवाब भी यहाँ से पा सकते हैं स्टॉक ट्विस्ट के प्लेटफॉर्म पर और रिसेंटली हमने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है तो आप हमें भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर सो बेसिकली ऑल इन ऑल यू कैन स्टे इन्फॉर्म अबाउट द मार्केट ट्रेंड्स एंड न्यूज यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म तो इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिनकी सभी की लिंक्स और डिटेल्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से इनको एक्सप्लोर करते हुए इनके साथ जुड़ सकते हैं ठीक है थीके? चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में तो जो अगली कंपनी है वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड अब मैं आपको अगर कहूँ कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड करती क्या है तो आई थिंक आप में से मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको ये पिक्चर्स दिखाऊं तो आप कहेंगे अरे ये तो हम कभी ना कभी कंज्यूम करते हैं और रिसेंटली देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है ये वन ऑफ द फ्रेंचाइजीज है पेप्सिको के लिए और ऐसे में पेप्सिको में अगर डिमांड हो रही है पेप्सिको के प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है उनमें ग्रोथ हो रही है तो वरुण वेवरेजेस लिमिटेड में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है अब ऐसे में फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे प्रॉफिटेबल है कैश फ्लो भी पॉजिटिव है पेट्रोस की स्कोर नौ के ऊपर होता नहीं है ग्राहम नंबर के हिसाब से महंगे दाम पे आ रही है रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है और डेट टू इक्ट यहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव सेवन है डेट की जैसे फेलियर के चांसेस कम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से और पी जी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है अब कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें की डिमांड हमेशा रहती है जिनके प्रोडक्ट्स में डिमांड हमेशा रहती है सेल्स में ग्रोथ होती रहती है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होती है, रहती है तो ऐसे में इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा हाइयर एंड पे रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है इसके लिए हमारी थ्योरीज होती हैं जिनको कि हम फॉलो करते हुए ऐसे स्टॉक्स में तभी बाई करते जबकि इनमें गिरावट होती है रिसेंट हाई से अगर 10-15 परसेंट की गिरावट हो या किसी दिन 3 परसेंट या उससे ज़्यादा की गिरावट हो तो ऐसे स्टॉक्स में हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अब विप्रो से अगर हम कंपेयर करें तो विप्रो के फंडामेंटल्स भी ऐसे ही हुआ करते थे डेकेट्स पहले और साथ ही साथ विप्रो के प्रोडक्ट सेगमेंट में एक अच्छी खासी ग्रोथ की स्कोप थी हालांकि इनिशियल डेज में जब कंपनी लॉन्च हुई थी जब स्टैब्लिश हुई थी तब वो आईटी सेक्टर में नहीं थी बट धीरे धीरे उन्होंने अडेप्ट किया चीज़ों को और जिन टेक्नोलॉजीज़ में मैसिव ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी थी उन टेक्नोलॉजीज़ में वेंचर किया और जिन्होंने पहले से इसको देखा उन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया तो अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट पहले से जान रहे हैं कि कंपनी कर क्या रही है आने वाले समय में क्या ग्रोथ का स्कोप है और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें वहाँ पर रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अब ऐसे में यहाँ पर प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखिए तो सिक्सटी के आसपास है पब्लिक अगेन यहाँ पर भी देखिए केवल और केवल साढ़े छः परसेंट के आसपास है और रिमेनिंग जितने भी हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये अभी से ट्रेंड सेट कर दिया है बोनस शेयर इशू करने का वन इज टू टू के रेशियो का ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लिटरली हर एक दो तीन साल पे यहाँ पे बोनस शेयर इशू करते नजर आ रहे हैं वरुण बेवरेजेज वाले तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि विप्रो के साथ ये कहीं ना कहीं से मैच कर रहा है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हालांकि डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं बट ऐसे में भी ये कंपनी जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चल रही है जैसे कि हमें विप्रो का देखने का मिल रहा था ठीक है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ का स्कोप हो सकता है लॉन्ग टर्म में अब टेक्निकल्स देखिए तो कभी भी फिफ्टी डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो एक अच्छा खासा रिवर्जन देता है एक मंथ के कैंडल स्टिक चार्ट पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न रहा है और किसी भी महीने में अगर गिरावट हो जाती है किसी महीने में अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है तो रेड कैंडल एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है हालाँकि ऑसम ऑक्सीट के पास ऊपर है आर एस आई यहाँ पे ओवरब्रॉड जोन इंडिकेट कर रहा है तो ऐसे स्टॉक्स में बल्क बाइंग से बचना चाहिए फिर चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स विप्रो जैसे ही क्यों ना हो ऐसे स्टॉक्स में हमें बल्क बाइंग से बचना चाहिए ऐसे स्टॉक्स जनरली हमारे लिए एस के लिए अच्छे स्टॉक्स साबित हो सकते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पे विप्रो की बात हो रही है तो ऐसे में इन्फोसिस की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्फोसिस का आप देखिए तो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट करिए कंपनी यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल भी है कैश लो हालांकि नेगेटिव है स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फीडबैक रही ग्रह नंबर के हिसाब से महंगे दाम पे है लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड बेहतरीन है डेट टू इक्विटी जीरो है डेट की वजह से प्रेशर बहुत कम रहने वाला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से यहाँ पे अंडर देखने को मिल रही है फेस वैल्यू पाँच का है आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है इसमें तो देखिए 1667 का प्राइस चल रहा है लेकिन कंपनी ने कई बार बोनस शेयर इशू किए जिनकी वजह से प्राइसेस इनके आपको कम देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में ये कंपनी भी सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है जैसे कि विप्रो के हुआ करते थे और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप देख सकते हैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग थर्टीन परसेंट के आसपास है थोड़ा सा कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंटीमेंट्स पैदा करता है इन्वेस्टर्स के मन में बट कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग हमेशा कम रहती है तो हमें ऐसे डाटा को इग्नोर करना आना चाहिए अपनी एनालिसिस में यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग ट्वेंटी है और बाकी जितने भी बच्चे हैं अच्छे खासे आपको इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है ठीक है चलिए अगर हम यहाँ पे बोनस शेयर हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हैं 1997 के बाद से 2014, 2015 और 2018 में वन इज टू वन की रेशियो का बोनस शेयर इन्होंने इशू किया है ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट चार पाँच साल हो चुके हैं यहाँ पे तो इनको बोनस शेयर इशू कर देना चाहिए अगर मार्केट बुलिश रहता है आने वाले कुछ महीनों में तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ना सिर्फ इन्फोसिस बल्कि ये तीन के तीनों स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये सभी स्टॉक्स बोनस शेयर इशू कर सकते हैं 2024 या 2025 तक ठीक है अब ऐसे में यहाँ पर टेक्निकल लेवल्स देखिए तो कभी भी इसमें गिरावट होती है तो गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहती है बाइंग करने की एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पर और एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर आप देख सकते हैं अभी भी रिसेंट हाई से एक डिस्काउंट मिल रहा है डिस्काउंट क्यों माना जाएगा क्योंकि पास्ट में कभी भी इसमें गिरावट हुई है गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रही है और गिरावट के बाद एक नया हाई बनाया तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आने वाले समय में दो हजार रुपए के ऊपर प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं अगर स्टॉक मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स कंटिन्यू रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर एस आई अभी भी ओवरवर्ड जोन में नहीं है और समेटर के पास नीचे की तरफ बन रहे हैं तो एक सही सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन्फोसिस लिमिटेड में आने वाले समय के लिए तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि तीन के तीनों स्टॉक्स कैसे विप्रो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हुए आने वाले समय के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकते हैं हमारी पोर्टफोलियो के लिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों है वीडियो आपको पसंद आई होगी स्मृति की जानकारी आपके काम की होगी वीडियो को लाइक करिए कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लेमर की किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता है हमारी वीडियो में कि आप ब्लाइंडली हमारे द्वारा डिस्कस किए गए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते ताकि आप सीख सके और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की राह पर आगे बढ़ सके और जहां तक रही स्टॉक ट्विस्ट की बात तो उसकी लिंक्स और डिटेल्स वगैरह हमने डिस्क्रिप्शन में दिए आप वहां से उसको एक्सप्लोर करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं